एक पड़ाव पार कर चुका हूँ। चारों तरफ का मेरे पीछे इलाका देख सकते, हमारे दादा परदादाओं ने ये पेड़ लगाए हुए, उन जड़ों के माध्यम से पानी उनके तनों तक आता है। हेलो दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार और छोटे बड़ों को जीवर के प्यार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हमारे पहाड़ों में जो जल के स्रोत होते हैं कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं और कैसे कैसे करके हमारे पहाड़ों में घर घर तक पानी पहुँचता है। तो दोस्तों, बात यह कि कुछ दिनों से हमारे गाँव में पानी नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा खाली घर में बैठ के क्या फ़ायदा, एक श्लोक भी बन जाए और पुण्य का काम भी हो जाए। तो मैं आज आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने जल के स्रोत में और बताता हूँ कि हमारे पहाड़ों में जल के स्रोत कैसे होते हैं और कैसे कैसे करके हमारे घरों में पानी आता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करना और वीडियो पूरा देखना, और आज की वीडियो में आप लोगों को फिर से मज़ा आने वाला। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। यहाँ से पैदल रास्ता है और चढ़ाई है, तो आप देख सकते हो कि चढ़ाई भी ठीक ठाक है और चारों तरफ जो ये पेड़ है हमारे, ये चीड़ के पेड़ है, छोटे पेड़ बड़े पेड़ और काफ़ी शानदार जंगल है हमारा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि जो मेरे पीछे ये जो है ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और हम पहाड़ी भाषा में जिसको बोलते हैं धार, यानी पहाड़ी, और इसके पीछे का इलाका भी होर जाना है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि खड़ी चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लो, आपका भाई को पहले से आदत हो चुकी है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि हमारे पहाड़ों में चढ़ाई तो एक गधेरा है और इसके ऊपर चढ़ाई है, लेकिन यहाँ पर अकेले आने में भी डर लगता है क्योंकि बहुत डरावना है। तो अभी मैं धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ता हूँ। यहाँ मेन बात क्या है कि जो ये आप देख रहे हो जो चीड़ के पत्ते होते हैं, इसको हम पिल्टू कह सकते हैं अपनी लोकल भाषा में। तो इसमें खतरा ये है कि जहाँ पे ढलान है, चढ़ाई है या तो खाई है, और हमारे रास्ते वहीं से ही होते हैं, तो इसमें अगर गलती से पाँव पड़ गया तो इसमें फिसलने का बहुत डर होता है। और भाई, एक बार अगर फिसल गए तो इसमें रुकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आगे पीछे ये बहुत ज़्यादा चीड़ के पत्ते गिरे होते हैं। और साथ में आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पहाड़ों का जंगल है, जो नेचर ब्यूटी है, कितनी खूबसूरत है। और दोस्तों आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन मुझे ब्लॉग बनाने में मज़ा आता है अपने पहाड़ों के साथ। तो दोस्तों, एक पड़ाव पार कर चुका हूँ और काफ़ी थकान लग चुकी है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा व्यू पॉइंट जैसा है, यहाँ से चारों तरफ का मेरे पीछे इलाका देख सकते हो। और अभी मैंने और आगे जाना है, आगे इस तरफ जाना है, तो आप वीडियो में बने रहे, तब तक मैं आप लोगों को यह जो व्यू पॉइंट है थोड़ा बहुत अपना इलाका दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा जो बीच में पेड़ है तो इसकी वजह से आप लोगों को पूरा इलाका नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी देख सकते हो जो ये जूमिंग है। तो इस तरफ से हमारा दूसरा इलाका आता है जो गुत्तू, जो भिलंग पट्टी है, इधर से ही हमारी भिलंगना नदी आती है। जहाँ पे ये बादल दिख रहे हैं आपको, तो खतलिंग घाटी है, और इसकी दूसरी तरफ जो पहाड़ी है यहाँ पर पवाली कांठा, यानी कि पवाली है जहाँ से हम लोग केदारनाथ को पैदल जा सकते हैं। तो
दोस्तों काफ़ी चढ़ाई के बाद फाइनली मैं जहाँ पे हमारा जल का स्रोत है पहुँचने वाला हूँ, या तो पहुँच ही गया हूँ। और दोस्तों लगभग ये 1.5 किलोमीटर तक सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई, और इसमें चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। और आजकल घास, बरसात से घास भी ज़्यादा हो चुकी है, और इसमें जो कटीली झाड़ियाँ होती है, जो जहरीली घास होती है, जिसके छूने से हाथ पाँव में खुजली होती है, तो वो भी है। तो सब रुकावटें पार करके आखिरकार अपने स्रोत पे आया हूँ। तो आप लोगों को अपना जल स्रोत दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा जल स्रोत, ये रहा चैम्बर, जो ये रहा हमारा चैम्बर। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी गंदगी जम रखी है, क्योंकि परसों बहुत ज़्यादा बरसात हुई थी, जिससे यहाँ पर नज़दीकी नाले वो बहके आए और पूरा घास घूस, पूरा घास और पत्थर आ रखा। तो ये जल स्रोत ठीक करता हूँ। तो दोस्तों ऐसे आता है हमारे पहाड़ों में पानी, आप लोग देख सकते हो कि ये जल स्रोत है, कुछ पानी यहाँ से और कुछ पानी यहाँ से, और दोस्तों कुछ पानी यहाँ से। तो यहाँ पर बहुत दिनों से कोई नहीं आया इधर हाइजन और साफ़ सफाई करने, कोई नहीं आया। तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत झाड़ी जमी हुई। तो अभी मैंने आपको दिखाया जो हमारा जल स्रोत है, जहाँ से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके पानी आता है, और एक मेन जगह है, लगभग शायद बहुत कम लोगों को पता है ये। तो दोस्तों कुछ पानी हमारा इधर पूरी झाड़ी जमी हुई है। तो आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पूरा साफ सफाई करके जाऊंगा। तो दोस्तों कुछ पानी जो हमारा इधर है, तो इधर से आता है, तो क्या हो कि जो झाड़ी और जो घास मिट्टी जो बारिश के कारण इकट्ठी हो चुकी है, तो पानी इधर उधर हो चुका है। तो अभी इनको साफ करता हूँ, और आज तो भाई पानी लेके जाऊंगा अपने गाँव में। तो दोस्तों जो बारिश के कारण यहाँ पर जो गंदगी आई है, तो एक तो पानी जो स्रोत होते थे थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, और ऊपर से मिट्टी पत्थर आने से ये डावेट हो चुका है। तो पहाड़ों में जल के स्रोत बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे करके गाँव में पहुँचाना, क्योंकि गांव में तो लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके जो छोटे छोटे स्रोत हैं उनका थोड़ा एक एक बूंद पानी का इकट्ठा करके आगे की तरफ पहुँचाना पड़ता है। तो दोस्तों जो यहाँ पर सूखा था और अभी थोड़ा बहुत पानी आने लग गया, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हर जगह से पानी इकट्ठा करके आगे पहुँचाऊँगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कितना गंदा था, कितनी घास थी, तो मैंने पूरी साफ कर ली। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये पूरा इलाका, और अभी थोड़ी देर पहले पानी की बूंद भी नहीं आ रही थी, पानी इधर उधर डाइवर्ट हो रखा था, लेकिन अभी साफ सफाई करने के बाद पानी आ चुका है।
आप लोगों ने सुना होगा कि जो पहाड़ों में नेचुरल वाटर होता है, नेचुरल पानी निकलता है, तो ये पानी दोस्तों कहीं ऐसे निकल जाता है, लेकिन ये पानी फिर भी ऐसे नहीं निकलता। आप लोग देख सकते हो कि जो ये पेड़ है, तो हम लोग इसको उदीस कहते हैं, एक पेड़, एक ये तो पता नहीं, ये जल स्रोत बहुत पुराना है, हमारे दादा परदादा तो नहीं, परदादाओं ने ये पेड़ लगाए हुए हैं और तब जाके यहाँ पर पानी का स्रोत बना है। दरअसल क्या होता है कि जो ये पेड़ होते हैं, अभी आप लोगों को, जो ये पेड़ होते हैं तो इनकी जड़ें ज़मीन के काफ़ी नीचे तक जाती है, तो जब जड़ें नीचे तक जाती है तो जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल होता है, तो वहाँ से उन जड़ों के माध्यम से पानी उनके तनों तक आता है, या तो जो दूसरी जड़ों का मुंह जहाँ पे खुला होगा तो वहाँ पे पानी आता है। तो आप लोगों को मैं वीडियो में बताता हूँ कि कुछ जड़ें जो ये है, यहाँ पर भी कुछ जड़ें हैं, यहाँ पर भी, और ये पूरा पानी इकट्ठा होकर आता है। तो दोस्तों काफ़ी मशक्कत के बाद लगभग एक घंटा लगा इधर साफ सफाई करने में, तो जो पानी के जितने भी स्रोत थे जो ब्लॉक हो चुके थे, जिनका पानी इधर उधर डाइवर्ट हो रखा था जो कचरे से, तो अभी वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं, और पूरे स्रोतों का जहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है तो अभी हमारे चैम्बर में पहुँच रहा है, और अभी थोड़ी देर इस चैम्बर की सफाई करूँगा और उसके बाद हमारे गांव की जो बड़ी टंकी है उसमें पानी चला जाएगा। तो हम लोगों ने यहां पर पहले से जुगाड़ लगाया, जो ये प्लेट है इसमें कंकड़ पत्थर रुक जाते हैं, और अगर इससे भी ना रुके तो हमने जाली लगाई। तो अभी फिलहाल मैंने जो जाली लगाई हुई है, तो आप लोग अभी देख सकते हो कि जो मैंने आगे यहां पर जो खोला हुआ है ताकि पूरा कचरा आगे ना जाए, क्योंकि और चढ़ाई है तो जहाँ पर चढ़ाई लगेगी वहाँ पर कचरा फंस जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर खोल रखा है। इसका खोलने का जो पाइप खोलने का मेन कारण है, जब मैं चैम्बर की साफ सफाई करूँगा तो जितना भी कचरा, मिट्टी, पत्ते पुत्ते हैं, रेत है जो बेकार आ चुकी है, तो ये आगे पाइप में ना जाए, अगर आगे जाएगी तो ये ब्लॉक हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो कि गाइस कितना कचरा जम रखा है, इसलिए गांव में पानी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली यहां पे साफ सफाई हो चुकी है, और ये देखो मैंने चैम्बर में जो फिल्टर है जो बनाया हुआ है, फिल्टर सीट, तो इसको लगा चुका हूँ, और अभी यहां का काम ख़त्म हो चुका है और पानी जाने लग गया है। इधर थोड़ी देर पहले खूब झाड़ियाँ थी, और अभी मैंने पूरा साफ सफाई कर चुका हूँ, क्योंकि अभी सांप का भी खतरा होता तो कोई भी इधर पानी देखने आए, या तो लोगों का रास्ता इधर जो जंगल में घास के लिए आते, भेड़ बकरी लेके आते, तो यहाँ पर सांप का खतरा ना हो झाड़ी में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ हद तक ये रास्ता साफ कर लिया है, जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी और काट चुका हूँ। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। तो है दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपने उत्तराखंड की और खूबसूरत वादियों का सफ़र, अपने उत्तराखंड के बारे में क्या क्या है, हम लोग कैसे पहाड़ी लाइफ सर्वाइवल करते हैं, और यहाँ पर घूमने के लिए अच्छी जगह क्या है, और कैसे कैसे एडवेंचर इधर होते हैं, तो तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, और याद रखिए एक बार फिर से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों मिलते हैं अगली और वीडियो में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।